पेपर कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेपर कोन्स का उपयोग ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाया जाता है, जो मिल्स में लगने वाले यार्न या धागों को लपेटने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया किए गए पक्के धागों को इन पेपर कोन्स पर लपेटकर मार्केट में भेजा जाता है। कपड़ों का विशाल बाजार और बढ़ती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये दोनों घटक पेपर कोन बनाने के व्यवसाय को पूरक है। इसीलिए आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए पेपर कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री लेके आए हैं, जिससे इस व्यवसाय की जानकारी आपको मिलेगी। आगे जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मिडी उद्योग विश्व को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जहां पर हम अलग अलग बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेकर आते हैं। रॉ मटेरियल। पेपर कोन के उत्पादन में क्राफ्ट पेपर या चिपबोर्ड, डेक्सट्रिन स्टार्च या गोंद, इन प्रमुख कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए कलर्स का भी उपयोग होता है। मशीन्स। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको ऑटोमेटिक पेपर कोन रोलिंग मशीन, ड्राइंग मशीन, पेपर कोन फिनिशिंग मशीन, कटिंग मशीन, पेस्ट टीयरिंग मशीन। प्रोसेस। पेपर कोन्स बनाने के लिए लगने वाले क्राफ्ट पेपर के रोल को मशीन पर लोड किया जाता है। पेपर कोन्स लगभग पूरी तरह एक ही मशीन पर बनाए जाते हैं। यह रोल अनवाइंडिंग रोलर से पास होते हैं, जहां पेपर फ्लैट होता है। आगे जाते हुए पेपर की शीट एक पेपर कोन बनाने में लगने वाले लंबाई में डिवाइड हो जाती है। पेपर की शीट की एक तरफ मशीन के जरिए कट मारा जाता है और पूरी पेपर पर गोंद की परत लगती है, जो कि रोलर्स के माध्यम से फैलती है। आगे जाके एक अर्ध गोलाकार या वी शेप में काटा जाता है। यह कटा हुआ पेपर मशीन पर लगे शंकु जैसे रोलर पर घूमता है, जिससे पेपर कोन बनता है। नीचे लगे रोलर से पेपर कोन की निचली बाजू पे प्रिंट होता है और ऑटोमेटिकली एक ट्रे में जमा होता है। इन पेपर कोन्स को ड्रायर मशीन द्वारा सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें जरूरत के आकार में इकट्ठा करके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बेचने के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार हमने पेपर कोन बनाने के व्यवसाय की जानकारी ली। अगर रॉ मटेरियल और मशीन्स की बात करें तो इनके लिए आप हमें यानी मिडी को भी संपर्क कर सकते हैं। इस व्यवसाय से जुड़ी अधिक जानकारी या एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप स्क्रीन पर दिए दोनों वेबसाइट्स को भेज दें और नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।